हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इरास पैशन। आज मैं आपके साथ उड़ीसा का फेमस मिठाई छेना पोड़ा शेयर करने जा रही हूँ। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी होता है और ये जगन्नाथ देव का भोग में दिया जाता है। वो हमारे घर में सब बहुत पसंद करता है। इसके लिए हमें चाहिए 2 लीटर मिल्क, 200 ग्राम पीसी हुई चीनी, 1 टीस्पून घी, देसी घी, और 3 टेबलस्पून सूजी, और छेना पाने के लिए विनेगर के साथ मैं पानी मिला के रखी हूँ। पहले मैं गैस को जला के दूध को बॉइल करने के लिए रखती हूँ। मेरे दूध में उबल आने शुरू हो गया और थोड़ी देर में मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। और थोड़ी ठंडी होने के लिए डाल दूंगी। इस बार दूध को 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। इधर मैं छेना को और पानी को अलग करने के लिए एक बाटी में एक छन्नी रख दी और इसके ऊपर एक मलमल की कपड़ा रख दी। इसमें मैं छेना को डाल के छेना और पानी अलग कर लूँगी। 5 मिनट हो गया, मेरा दूध थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया। इस बार मैं विनेगर के सहायता से दूध को फाड़ूंगी। थोड़ी थोड़ी करके मैं विनेगर डालूंगी और छेना बनाऊंगी। एक साथ ज्यादा नहीं डालूंगी। थोड़ी थोड़ी करके, नहीं तो छेना हार्ड हो जाएगी। मैं थोड़ा गैस जला के इसको लो फ्लेम में, बहुत लो फ्लेम में रख दूंगी। और पानी अलग हो गया, देखिए ग्रीनिस कलर का पानी हो गया। तुरंत मैं इसको अलग कर लूंगी। गैस को आपको देता हूँ और इसको मैं तुरंत इसको तुरंत ही मलमल के कपड़े में रखकर मैं इसमें धीरे धीरे सब छेना डाल दूंगी। अलग हो गया, ये छेना को मैं पानी से नहीं धोऊंगी क्योंकि छेना पोड़ा के लिए मुझे गर्म ही चाहिए, गर्म छेना चाहिए, इसीलिए मैं इसको नहीं धोऊंगी।
पानी से नहीं वॉश करेंगे। और एक बार मैं एक छाने से थोड़ा पानी अलग करके रखी हूँ, जो पीछे जरूरत पड़ेगी। इसको मैं थोड़ा सा मॉइस्चर है इसमें, ये मॉइस्चर चाहिए मुझे छाना पड़ा करने के लिए। इसमें छाना पोड़ा के लिए ड्राई छाना नहीं चाहिए, थोड़ा मॉइस्चर वाली छाना और वो गर्मा गर्म, बहुत गर्म है, इसलिए मैं चम्मच के सहायता से इसको स्मैश करती हूँ। जब ठंडा हो जाएगी थोड़ा, तब मैं हाथ से करूंगी। अब तो थोड़ा गर्मी है, इसमें इसमें मैं चीनी डालूंगी, अब पिसी हुई चीनी जो मैंने रख दिया था वो डालूंगी। चीनी सब अपने अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके, इधर मैं 200 ग्राम चीनी ली हूँ, थोड़ा थोड़ा करके जितना जरूरत पड़े डाल दूंगी। पहले इतना ही डालती हूँ और इसको स्मैश करती हूँ। इसमें मैं पूरा भर के एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच सूजी डाल दी और उसको भी अच्छे से मिला लूंगी इसके साथ। बहुत गर्म है, इस तरह हाथ से पीस पीस के मापना पड़ेगा। मैं जो बचाए थे वो सब चीनी डाल दें, वो लग जाएगा, वो लगेगा। टोटल 200 चीनी लगा है, 2 किलो दूध का छाना के लिए 200 ग्राम चीनी लगेगा। देखिए ये छेना का जल पानी जो मैंने रखी थी, बोली थी बाद में लगेगा, देखिए ये मैं थोड़ी इसमें डालूंगी, डाल के ये पेस्ट को थोड़ा पतला करूंगी। इसी में छाना पोड़ा
स्वाद बनेगी। और थोड़ा चाहिए, और थोड़ा चाहिए मुझे। बस इसको मिला के मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। सेमोलिना यानी सूजी फूल जाएगा, मिक्सचर भी थोड़ा सेट हो जाएगा। इसके बीच मैं मेरी कढ़ाई को, जिसमें मैं एक इसको पकाऊंगी, बेक करूंगी, उसको रेडी कर रही हूँ। छाना पोड़ा करने के लिए मैं एक कढ़ाई ले, कढ़ाई में थोड़ा नमक जो मैं पहले कई बार यूज कर रही हूँ, पहले कई बार यूज करी, ये मेरा बेक के लिए, खाने के लिए नहीं, बेक ही करती हूँ इसे, दे दी। और इसमें एक छन्नी भी दे दी, इसके ऊपर मैं मेरा पैन को मसाऊंगी। पहले मैं इसको प्रीहीट कर रही हूँ, थोड़ा इसको इसी प्रकार से 5-10 मिनट के लिए प्रीहीट कर रही हूँ। और इसमें मैं छना का बैटर डालूंगी और इसमें मैं छना पोड़ा बनाऊंगी। इसको मैं बटर पेपर से पहले थोड़ा ऑयल डालकर ग्रीस कर लिया, तो बटर पेपर को डाल के और थोड़ा ऑयल देके इसको बना के रखी हूँ। इसमें मैं डालूंगी छना पोड़ा का मिश्रण, 10 मिनट प्रीहीट हो जा, बाद में मैं छना पोड़ा को इसमें रखूंगी और छना पोड़ा बनाऊंगी। कढ़ाई प्रीहीट हो गई, इस बार मैं देखिए प्रीहीट हो गई, मैं गैस को फ्लेम को कम कर दूंगी, कम करके थोड़ा और भी थोड़ी देर और रखूंगी। इसी बीच मैं इसमें 1 टीस्पून, ज्यादा नहीं, 1 टीस्पून घी डालूंगी। घी से टेस्ट भी अच्छा होगी और स्वाद भी बनेगी। अच्छे से घी को इसमें मिला दूंगी। देखिए सूजी भी फूल गया, फूल के थोड़ा सख्त हो गया, और भी पतला करना पड़ेगा। और थोड़ा छने का पानी मैं डाल रही हूँ। कोई कोई इसमें ड्राई फ्रूट्स देता है, मगर दुकान वाले नहीं देते हैं, हम लोग भी नहीं पसंद करते हैं। आप चाहे तो दे सकते हैं, काजू किशमिश मत जलिए, काजू बादाम पिस्ता ये सब आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, हमें पसंद नहीं है, दुकान वाले भी नहीं देते। ऑथेंटिक छाना पोड़ा बगैर ड्राई फ्रूट्स की होता है।
और हमें भी वही अच्छा लगता है। बैटर को मैं इस बार पहले से तैयार किया बर्तन में ढाल लूंगी। थोड़ा सा मैं हाथ धो लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं एक कढ़ाई के ऊपर जो पहले से भिगो किया है मैंने उसके ऊपर डाल देती हूँ। फ्लेम लो ही रहेगा, धीरे धीरे वो पकेगा, धीरे धीरे 40-45 मिनट तो लग ही जाता है, तब वो ठीक से होगा। मैं 40 मिनट के बाद फिर आऊंगी। मैं खोल के 40 मिनट के बाद मैं खोल के देखती हूँ क्या हुआ। देखिए और थोड़ा होगा, और थोड़ा होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है। जब हो जाएगा तब कुछ भी नहीं लगेगा, क्लीन आएगा। 5 मिनट के बाद मैं फिर से इसको खोल के देखती हूँ। इस बार लगता है मेरा छाना पोड़ा तैयार हो गया। मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ इसको इधर रख के 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं इसको प्लेट में रख के फिर काटूंगी। ठंडा हो गया, छुरी से मैं थोड़ा लूज करके देती हूँ। और एक प्लेट से इसको वाव देखिए धीरे धीरे इसको मैं फेंक देती हूँ। ये है बटर पेपर, धीरे धीरे से तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया, बहुत सुंदर हुआ है। इसको मैं थोड़ा काट के दिखाती हूँ। बाहर से
कड़ा और अंदर से सॉफ्ट, परफेक्ट हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। हाँ, यदि आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के ना भूलिए। थैंक यू।